नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। सीमा हैदर की कहानी अब लगातार जो है सवालों के घेरे में, और वो इसलिए दर्शकों क्योंकि हम आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि भीड़ से परेशान होकर रूपपुरा स्थित सचिन मीणा के परिजनों से सीमा हैदर से मिलने पर पाबंदी लगा दी है। अब इक्का दुक्का मीडियाकर्मी और कुछ चुनिंदा लोग ही सीमा और सचिन से मिल पा रहे हैं। शुक्रवार को सीमा की तबीयत भी खराब हुई, इसके चलते वह किसी अन्य घर पर रह रही हैं। उसने यहाँ इंस्टाग्राम के अपने अकाउंट की निजी सेटिंग चेंज कर सार्वजनिक कर ली है। पाकिस्तान में छुपकर इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली सीमा हैदर यहाँ आकर सोशल मीडिया पर आज़ाद हो गई हैं। उसने इंस्टाग्राम के अपने अकाउंट की निजी सेटिंग चेंज कर सार्वजनिक कर ली है। पाकिस्तान में रहने के दौरान सचिन और सीमा ही एक दूसरे की रील देख पाते थे, अब लाखों लोग इन वीडियो को देख पा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया में सीमा के नाम पर कई फेक अकाउंट भी बना लिए गए हैं। सीमा हैदर के नाम के एक फेक फेसबुक पेज पर फॉलोअर्स की संख्या 4.21 लाख के करीब है। सीमा हैदर के परिजन ने घर में सुबह आने वाले लोगों की भीड़ से परेशान होकर मुलाकात पर पाबंदी लगा दी है। शुक्रवार को सीमा की तबीयत भी ख़राब हुई, इसके चलते वह किसी अन्य घर पर रह रही हैं। इधर सीमा के पाकिस्तान, नेपाल और भारत में बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। सीमा का कहना है कि उसके पास मोबाइल नहीं है, लेकिन उसने सचिन के किसी करीबी के मोबाइल में अपनी आईडी से सोशल मीडिया अकाउंट चालू कर लिया। सीमा व सचिन के वीडियो केवल भारत ही नहीं पाकिस्तान समेत अन्य देशों में भी देखे जा रहे हैं। सीमा हैदर ने नेपाल में बस से सवार होकर आने के दौरान भी एक वीडियो बनाया था। यह वीडियो सीमा हैदर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर लोगों से चैनल सब्सक्राइब करने की अपील की है। इस चैनल पर उसके 20,000 से अधिक सब्सक्राइबर हैं और ये बहुत बड़ी खबर है। अब ये देखना पड़ेगा कि सीमा हैदर की तबीयत तो खराब हुई, मुलाकात पर पाबंदी लगी, इसके बाद अब सरकार कब जांच करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेक्स्ट नाइन न्यूज़।